हाँ जी वाड़ी सब क्या हालचाल आप सभी के, मैं आपको वायनस पठान दोबारा आ गया हूं और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। अभी हमारी थोड़े दिन पहले खत्म हुई है ट्रैवलिंग सीरीज और अब क्या चल रही है हमारी फैमिली सीरीज। कहाँ जा रहे हो नन्ने? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे चाचा की शादी में। तो भैया शादी में जा रहे हैं सब, सबसे ज्यादा भैया हमारे पापा एक्साइटेड है ये रहे शादी में जाने के लिए, क्योंकि इनके सारे भैया मिलेंगे। सारे भैया मिलेंगे, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, 3 साल बाद जा रहे हैं। चलो जी, सारी चीज़ें अभी वो चल रही हैं, पैकिंग 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 पैकिंग। और सबसे देखो ये जरूर जाता है हमारे साथ, क्योंकि अब ये ऐसा लग गया है कि भाई डेली पीले इसको बहुत मज़ा आता है। क्या हो गया, क्या देख रहा हो? मुस्कुरा रहा है वो आज तो। कपड़े का ढंग के किसमें क्या ढंग के कपड़े नहीं है, बैठ के तो जाना है, कम्फर्टेबल है एकदम। ये देखो, अपनी बीवी को देख के क्या कुछ कहना चाहते हो? बेबी सट जा रही है। कहानी बता रहे थे T3 वाली। T3 कितना टाइम पहले बनाई? ये तो अभी तुम्हारे सामने बना है। और पहले जब आपने जॉब स्टार्ट करी थी कहाँ पर करते थे? जब तो वो था T1 खाली, एक रनवे, एक एयरलाइंस थी, एयर इंडिया। अच्छा जी, एक ही कंपनी थी बात। तो मतलब ये जो ये आपके सामने क्या था उस टाइम, यहाँ पर क्या था? कुछ भी नहीं था, बैठे बैठे थक जाते हो। तो जी हम पहुंच गए थे अपने होम टाउन और अभी रात को सो गए थे, अभी उठे हैं। क्या देख रहा हो? ये लो दिखा दो। लो खजी लो, खाए 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 लो, तुम भी खाए लो। सब अल्ले बल्ले, मजा आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो जी अभी उठे हैं, शादी दोपहर की है तो अभी मम्मी और मामा को दूसरी तरफ जाना है। क्या चंदियाना जाएंगे जी। तो आज तो हम रात को वहां सोए थे, मतलब अभी दिखाता हूँ रात को कहाँ सोए थे। बहुत टाइम बाद सुबह 7-8 बजे उठा हूँ और एकदम फ्रेश उठा हूँ भाई। ये खड़ी भाई अपनी छमिया, ये खड़ी जी, इसका हैंडल उखड़ गया है, ये लगवाएंगे। पर्सनल पार्किंग भाई, इसको बारादरी बोलते हैं। पहले ये ऐसे बिल्कुल नहीं था, ये रेनोवेट करवाया। और चारपाई तो सब नहीं देखी होंगी, ये भाई चारपाई होती हैं, सब नहीं देखी होंगी। ये तो शायद एक यूनिक चारपाई दिखाता हूँ आपको, ये है भाई यूनिक। एक बार आ जाए भाई वहाँ से घूम फिर के, उसके बाद आ गई सवारी तो आ गई है। चलो जी चलते हैं, ड्राइवर बने हुए हम तो साला। तो जी पहुंच तो गए हैं पर गाड़ी पे 2 स्क्रैच आ गए भाई, एक तो ये और दूसरा भाई ये थोड़ा मेजर है, दूसरा भाई ये थोड़ा ज़्यादा दुख रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा गाड़ी पे स्क्रैच है? नहीं भाई, दिल पे स्क्रैच लगे हैं यार। ये पतली पतली रोडें हैं, वहाँ से ट्रक आ गया, साइड उसमें घुस गई, क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, अपने गाँव में देख रहे हो भैया फ़ायदा, रोड वाला कर देंगे ऐसे ही। देखो जी बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी और जा रहे हैं। तो जी अब हमारा ड्राइवरी वाला काम शुरू हो गया है, सबको वहाँ शादी घर तक छोड़ के आना, घर छोड़ना, फिर वापस यही करना। कोई बात नहीं जी, सह लेंगे। अभी तो फिलहाल एकदम मम्मी पीछे एकदम कैब वाली फीलिंग ले रही है, बस मैंने OTP नहीं पूछा, बाकी तो मम्मी पीछे जाके पता नहीं क्यों बैठ, पीछे क्यों बैठ गई तुम? अरे मैंने कहा कोई मिलेगा तो फिर अपने जब आगे बैठ जाऊंगी। ऐसे भी सोचती हूँ मैं तुम, सबके लिए सोचना पड़ता है। क्या बात है, खाना वाना हो गया भाई, बैठे हुए हैं अभी तो। और जी हमारी एज के ना यहाँ पर बहुत कम है, और जो है उनसे हमारी दोस्ती यारी है नहीं, तो ऐसे अकेला बैठे बैठे ना बहुत देर हो गई है। अब सोच रहा हूँ कहीं घूम आए। दिल्ली वालों आपको एक नान दिखाता हूँ, तुमने नहीं खाएंगे भैया, देखो ये होते हैं असली नान, तुम सब जो खा रहे हो वो है नकली। तो हमारी ड्राइवरी की ड्यूटी दोबारा शुरू हो गई है।
भाई आप गली देख रहे हो, शायद नहीं दिख रही होगी, बहुत पतली गली है, इसको चोर गली बोलते हैं। और बचपन में ना इस गली में आने में फटती थी भाई मेरी बहुत ज़्यादा। अरे भैया हो गई शादी, नहीं शादी नहीं, हो गया रिसेप्शन वलीमा। अब जा रहे हैं जी घर, सवारी आ रही है, हम अभी गाड़ी वाड़ी निकलवा के हवा हवा चेक करवा के आए हैं, सवारी आती है आपको घर पहुँच के मिलते हैं अब। तो जी हम रात को घर आ गए थे, शूट वूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारी गाड़ी में बहुत लोग थे और गाड़ी चलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे उस टाइम। और भाई घर आने के बाद अब हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ये देखो भैया, भाई शकील का ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, थोड़ा पास हो गए। तो भाई इनको जोश चढ़ रहा है, तो हमने कहा भैया 3-4 साल का जो हमने सीखा है एक्सपीरियंस वो अब इन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसे नहीं, रुक जाओ अभी करवाते हैं इनको, थोड़ा पास हो बस, अब इसको नीचे ले जाओ छाती पे, अरे छाती पे थोड़ा बस कमर हल्की सी पीछे करके छाती पे ले जाओ, हाँ बस इधर। अभी इनका वेट नापते हैं और इनकी 1 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू करते हैं, भाई मजा आएगा। अभी वेट कितना होगा आपका? 90 के आसपास। ये जी पीछे प्लेट है, हटा दूं ये? हटाऊं प्लेट जो रखी है? क्या ये भाई शकील का होममेड जिम है, पहले इनका हाथ यहाँ पर साफ कराते हैं, इनको जिम लेके जाया करेंगे। चलो जी कितना वेट है ये? 10-12। चलो जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, नंगे हो गए, अपनी करंट कंडीशन भी दिखा देना। चलो कितने मार दोगे? चलो पहले तो दूर पकड़ा हुआ आपने, रखो वापिस रखो, यहाँ से पकड़ो थोड़ा पास से। चलो हाँ अब उठाओ और यहाँ लेकर आओ, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। भाई शकील के 6 पैक्स एब्स देखना चाहते हो क्या? 6 पैक्स तो नहीं आएंगे कि वो आपको झूठ बोलूं, कुछ और मुंह से निकलने वाला था, पर पापा सामने है तो इसलिए इस झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे क्या कर रहा हो? इधर हाँ चलो दिखाओ। हाँ भैया कुछ तो आ रहा है। रुक जाओ तुम्हें पहले अभी एक चीज दूं। मम्मी वो मेरा डब्बा कहाँ है जिसमें सामान रखा हुआ है? अरे कर रहा हूँ नाश्ता कर रहा हूँ। लो जी ये है भाई, पहले ये बता दें इनको भी और आपको भी, हमारा नाश्ता आ गया है। और ये है लो जी, ये यहीं रखो। मैं नहीं खा रहा बवाली है, रखो है, मैं नेचुरल तरीके से करूं जो करूं। अरे सुनो अन्ना, मैंने सुना रहा भाई सीधी बात है, मैं करूं नेचुरल तरीके से। अरे ये सुन तो लो, है क्या नेचुरल तरीके से? भरोसा तो रखो, क्या तुम्हें कुछ उल्टा सीधा थोड़ी बताऊंगा? अरे तुमने बताओ ये जो आपकी बॉडी का फैट है ठीक है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और थोड़ा फैट कम करने में हेल्प करेगा। नेचुरली ही है ये, प्योर नेचुरल है। अरे मेहनत से कर लोगे बेटा? हम मेहनत के साथ साथ मेहनत सही है, मेहनत कर लोगे। गधा भी कर रहा है मेहनत, सब कुछ मेहनत से, घोड़ा भी कर रहा है मेहनत, तरीके से करेंगे मेहनत तो गधे वाली क्यों करेंगे। हाँ तो ये खाओ पहली चीज, और एक दो चीज और बताऊंगा। और मम्मी इनको मीठा देना, बिल्कुल बंद कर देना मीठा मीठा नहीं, अगर करना है तो सच बताओ वरना फिर मैं ये नहीं शुरू करूंगा। मैं मेरी बेइज्जती होगी फिर, मैं बगैर दवाई करके दिखा दूंगा तुम्हें। अबे दवाई नहीं है, सप्लीमेंट कहते हैं इन्हें। ये आपकी एनर्जी थक नहीं जाते हो जैसे ये काम करती है? ये भी तो पीने लगे हो, सिट्रोलिन भी तो पीने लगे हो, सिट्रोलिन से फायदा हो रहा है, थोड़ा सा थकान सी कम होती है। चुप होके जो बोल रहा हूँ करते जाओ, सही करना है तो ज्ञान ना बांटो इस टाइम आप ठीक है। जब भी इवनिंग वॉक पे जाओ इसकी 2 गोलियां खाओ। गोली ना खाऊं मैं एक भी? अरे यार भाई भाई ये कुछ भाई साहब, ये अपने आप करो जो कुछ करना कर, इतने सालों से कर रहा हूं अपने आप, कुछ हुआ आपका? अब करके दिखाऊंगा ना, जो कह रहा हूं मानो। अब कंपटीशन शट अप, चुप एकदम।